महाराजा अग्रसेन जयंती पर पुलिस ने 4 अग्रवाल समाज के लोगों पर दर्ज की FIR, जिसके विरोध में अग्रवाल समाज ने की प्रेस वार्ता। बीते कुछ दिनों पहले महाराजा अग्रसेन जयंती पर अग्रवाल समाज द्वारा चल समारोह का आयोजित किया गया, जिसमें अग्रवाल समाज के द्वारा कोरोना गाइडलाइंस का पालन करते हुए महाराजा अग्रसेन जयंती पर चल समारोह निकाला गया था। उसके बावजूद इस चल समारोह में शासन के नियम निर्देशों का पालन भी था, फिर भी समाज के जिम्मेदार लोगों पर पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज किए जाने से समाज में रोष व्याप्त है। अग्रवाल समाज प्रशासन से मांग करता है कि समाज के जिम्मेदारी लोगों पर दर्ज प्रकरण के मामलों को तुरंत निरस्त किया जाए, अन्यथा समाज इस घटना के विरोध में आगामी दिवाशी में अपना विभिन्न चरणों में धरना प्रदर्शन व आंदोलन करने को बाध्य होगा, जो कि पहले जिला मुख्यालय पर तत्पश्चात जिले का प्रदेश स्तर पर भी यह विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। समाज के कुछ लोगों पे कार्रवाई की गई है, क्या कारण है बताएंगे? देखिए, हम लोगों ने एक विधिवत उसकी परमिशन ली थी। हम लोग चल समारोह निकलते हैं अग्रसेन जयंती पर, और हमारा शांतिपूर्ण चल समारोह निकलता है। कोरोना गाइडलाइंस के अनुसार हम 100 से अंदर की संख्या में थे, उसके बावजूद भी हम पर शासन के द्वारा कार्रवाई की गई है, तो हम शासन से उस कार्रवाई को निरस्त करने की मांग करते हैं। कोई परमिशन आपके द्वारा? जी बिल्कुल, हमारे द्वारा परमिशन ली गई थी, शासन के द्वारा हमें परमिशन भी दी गई थी, और हमारा 1:45 बजे जुलूस प्रारंभ हो गया था। 2:30 बजे हम पर निरस्ती की सूचना आई, वो भी हमारे किसी जिम्मेदार पदाधिकारी के पास ना आकर हमारे समाज के किसी अन्य स्रोतों से हमें जानकारी लगी। अब चूंकि चल समारोह प्रारंभ हो चुका था, उसको बीच में बाइंड अप करना संभव नहीं था, इसलिए हमने आनंद फानंद में उसको पूर्ण किया, और उसके बाद हम शांतिपूर्ण तरीके से अग्रवाल धर्मशाला पर पहुंचे। वहां पर हमने महाआरती के बाद प्रसाद लिया, और उसके बाद अपने अपने घर को प्रस्थान किया। उस दिन और भी कोई जुलूस इस तरह से? जी हाँ, बिल्कुल शहर में और भी कई अन्य समाजों के माता रानी के जुलूस निकले। कई जगह शहर में पंडालों में माता रानी विराजी हुई है, उसके वीडियो भी हमारे पास हैं, अगर आप चाहें तो हम वो भी उपलब्ध आपको करा सकते हैं। उसमें हम पर्टिकुलर किसी समाज का नाम नहीं लेंगे, क्योंकि ये दृष्टि से उचित भी नहीं रहेगा, लेकिन ये बात प्रशासन को भी पता है कि हमसे कहीं लाख गुनी संख्या में भी लोगों के जुलूस निकले। इसमें 2-2, 3-3, 4-4 हज़ार की संख्याएं थी, हजार हजार महिलाओं की संख्याएं थी, लेकिन उसके बावजूद भी प्रशासन ने उन पर कोई कार्रवाई नहीं की और हमारे 4 लोगों पर कार्रवाई की। तो हम तो पुनः प्रशासन से आपके माध्यम से ये निवेदन करना चाहेंगे कि हमारे जो लोगों पर आपने FIR की है, जो प्राथमिकी दर्ज की है, उसे निरस्त करें, और हम उसके लिए आपसे आपके माध्यम से बार बार प्रशासन से यही आग्रह करेंगे। मान लो अगर प्रशासन नहीं मानता इस बात के लिए, पर आगे क्या? देखिए साहब, अगर जो एक न्याय नीतिगत बात होती है उसको जब प्रशासन नहीं मानता, तो हम क्या, कोई भी समाज हो या कोई भी संस्था हो या कोई भी व्यक्ति हो, वो एक गांधीवादी तरीके से आंदोलन का सहारा लेता है, तो हम लोग भी अब उसका ही फिर चरणबद्ध तरीके से उस आंदोलन को रूप देंगे, और उसमें बाजार बंद कराना, उसमें मंडी की खरीद बंद कराना, उसमें हमारे जो शासकीय सेवाओं में सेवारत भाई बहन हैं उनका सामूहिक रूप से एक दिन या दो दिन की छुट्टी पर जाना, ये मतलब इस तरह के हम शांतिपूर्ण तरीके से उस आंदोलन को अपना अमली जमा पहनाएंगे। शहर से शुरू होके जिले में पूरे प्रदेश? हाँ, इसको हम धीरे धीरे अभी हमें हमारे आसपास के अंचल के अग्रवाल बंधुओं का भी फोन आ रहे हैं, और वो हमको पूर्ण सहयोग करने के लिए तैयार हैं, तो हम इसको प्रथमतः तो शहर तक ही सीमित रखेंगे। अगर इसके बाद भी हमारी बात को नहीं माना गया, तो हम इसको जिले तक ले जाएंगे और प्रदेश तक भी ले जाने का प्रयास करेंगे।